हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस तरह के हम लोग 27 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 28वां टेस्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हमारा इसमें क्या है, वाइस ओवर्स लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। वोल्ट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आवाज़ की गुणवत्ता को कम किए बिना ही आवाज़ और डेटा को एक साथ नेटवर्क पर भेजा जा सकता है। दूसरी ओर एलटी में आवाज़ और डेटा के साथ नेटवर्क पर नहीं भेजा जा सकता है, डेटा को एक साथ नेटवर्क पर नहीं भेजा जा सकता है। ये सही है, वोल्ट और एलटीई दोनों 4G तकनीकी हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर एक में दोनों कथन सही है। क्या है, दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है, मुक्त अंतरिक्ष प्रकाशी की तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, मुक्त अंतरिक्ष विकास की तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का एक विकल्प है, सही है। इसमें डाटा संचरित करने के लिए मुक्त वायु स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत है। FSO नेटवर्क ब्रॉडबैंड की तुलना में बेहतर स्पीड प्रदान कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें आपका एक और तीन सही है, दो आपका गलत है। FSO सिस्टम में पूर्ण डुप्लेक्स देने के लिए दोनों छोर पर ऑप्टिकल ट्रांसीवर लगे हुए हैं। FOS एवं LOS लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है, जहां डाटा आवाज तथा वीडियो संचार फुल डुप्लेक्स कनेक्टिविटी के माध्यम से अधिकतम 10 GB/s के साथ प्राप्त किया जाता है। इसके कार्य करने के लिए किसी प्रकार की एयर स्पेक्ट्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरे में आपका सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है तीसरा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन साइबर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा है हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन साइबर फिजिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, किंतु बुद्धिमत्ता सेंसर और एक्टुएटर्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्मार्टफोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि पांचों। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा, पांचों सही, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चार नंबर, क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लगभग आपको सबको पता होगा, माइटोकांड्रिया, सी ऑप्शन सही है। माइटोकांड्रिया को कोशिका के ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकांड्रिया द्वारा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जारी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है पांच, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवों को विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत करने का सही अनुक्रम है। तो इसमें होगा किंगडम, फिर संघ, क्रम, वंश, बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। विज्ञान में जीवों को वर्गीकृत करने की पद्धति को वर्गीकरण कहा जाता है, क्या कह देते हैं, वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली स्वीडिश वनस्पति कारोलस लिनियस द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन है छठवां, क्या है क्वेश्चन, क्वांटम कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार। क्वांटम संलग्न कण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं
कि किसी एक में किया गया परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है, भले ही वे एक दूसरे से अरबों मील हों। सही है। दूसरा, सिद्धांतिक रूप से क्वांटम संलग्नता द्वारा विकास संचार से भी तेज गति पदार्थ व्याप्त की जा सकती है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। क्वांटम जो संलग्नता है प्रकाश संचार से तेज गति से विशिष्ट जानकारी का संप्रेषण करने में सक्षम नहीं बनाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर छठवें का आपका केवल एक सही था, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है क्वेश्चन है सात, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध थोरियम भंडारों का उपयोग करना है। सही है। पहले चरण में प्राप्तिक यूरेनियम का संवर्धन आवश्यक नहीं है। ये सही है। भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर का निर्माण भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये आपका गलत है। इसमें एक और दो कथन आपके सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में होगा, भारत का पहला 500 मेगावाट का फास्ट बीडर परमाणु रिएक्टर वर्तमान में कलपक्कम में मद्रास एटोमेटिक पावर सेंट स्टेशन में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए। साथ में आपका क्या होगा, साथ में एक और दो कथन सही था, क्या था, ए ऑप्शन। याद रखिए, पीडीएफ आपकी सभी जितनी भी इस तरह की पीडीएफ होती हैं टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन है आठ, थर्मोबारिक विस्फोटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। यह परमाणु हथियार का एक प्रकार है, यह आपका गलत है। पानी के अंदर अधिक ऊंचाई पर और प्रतिकूल मौसम में उपयोग की दृष्टि से यह अनुपयुक्त है, यह आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर आठ में केवल आपका दूसरा कथन सही है, एक आपका गलत है। थर्मोबैरिक एक संयुक्त शब्द है जो ग्रीक शब्द थर्म तथा बारोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः ऊर्जा तथा दाब। इस श्रेणी की हथियारों की मुख्य विशेषता यह है कि ये बड़े आग का गोला बनाने और विस्फोटक करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें आपका केवल दो था। क्वेश्चन है नौ, क्या है, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण, चिकित्सा उपचार, विद्युत उत्पादन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, धुएं का पता लगाने के लिए। तो याद रखिए, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, फिर चाहे वो खाद्य संरक्षण हो, चिकित्सा उपचार हो, विद्युत उत्पादन हो, रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो, या फिर धुएं का पता लगाना हो। तो इसमें आपका डी होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन सही, नौ का आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा दस, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेलवेयर, मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ट्रोजन हॉर्स यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिकृतियां बनाता है, यह आपका गलत है। एडवेयर विज्ञापन में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सही है। रैन समवेयर, जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुँच को बाधित कर देता है, ये भी आपका सही है। यानी कि दो और तीन सही हैं, एक आपका गलत है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा दुर्भावनापूर्वक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को उनके वास्तविक लक्ष्य से भ्रमित करता है। आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किसी न किसी रूप से इसका प्रसार होता है। कंप्यूटर वायरस के विपरीत ट्रोजन ना तो स्वयं को अन्य फाइलों में इंजेक्ट करने का प्रयास करता है, ना ही स्वयं को प्रचारित करते हैं। अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए स्वयं को दोहराने के प्रवृत्ति कृमि में होती है। ठीक, इसमें आपका दस में दो और तीन सही है, यानी कि
दूसरा कथन बी बी ऑप्शन सही था इसमें, 2 और 3। क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। GSM में संचार चैनल के समय विभाजन की तकनीक का इस्तेमाल एक साथ प्रेषित डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही है। CDMA में डेटा डिजिटल रूप में होता है और पूरे उपलब्ध बैंडविड्थ पर विस्तारित होता है, सही है। WiMAX बढ़ी हुई रेंज के साथ वाईफाई का एक विकल्प है, ये भी आपका सही है। यानी कि 15, 11 में आपके तीनों कथन सही हैं। GMS जो GMS है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल है, ठीक, यह दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया मानक है। और जो आपका CDMA इसे बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसे भी डिजिटल मोबाइल प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। और जो आपका WiMAX है ए वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, यह एक IP आधारित बिना तार की ब्रॉडबैंड एक्सेस तकनीक है जो सेलुलर नेटवर्क की कवरेज और सेवा की गुणवत्ता के साथ 802.11 मानकों के समान प्रदर्शन करता है, ठीक। 11 में आपके तीनों कथन सही थे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, क्या है क्वेश्चन, क्वांटम संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संचार को हैकिंग से सुरक्षित बनाया जा सकता है, सही बात है। पहला क्वांटम संचार उपग्रह मिसियस था जिसे 2016 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। भारत ने मिसियस के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग किया था, ये आपका गलत है। इसमें केवल 1 और 2 सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। चीन की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इस क्षेत्र में इसरो ने अपने प्रयास तेज कर दिए। बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया। इसरो को उपग्रह के ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 13, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट लून दुर्गम स्थानों तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अनुसंधान परियोजना है, सही है। इससे ध्रुव मंडल के ऊपरी हिस्से में गुब्बारे स्थापित किए जा सकते हैं, हिस्से में गुब्बारे स्थापित किए जा सकते हैं, ये आपका गलत है, एक केवल इसमें सही है। प्रोजेक्ट लून के गुब्बारे को विमानों वन्य जीवन और मौसम की घटनाओं में से ऊपर स्थित समताप मंडल, कहाँ, समताप मंडल की परिस्थिति में बने रहने के हिसाब से डिजाइन और निर्मित किया गया, जहाँ हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपका एक सही था केवल। क्वेश्चन है 14, भारत में क्लाउड बेस्ड सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्लाउड बेस्ड। तेलंगाना अपने विभागों को उनके डेटा भंडारण को क्लाउड पर आधारित पर स्थानांतरित करने के लिए आदेश देने वाला पहला राज्य बना, ये आपका गलत है। डिजी लॉकर सेवा एक क्लाउड आधारित सेवा है जो भारतीय नागरिकों को कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को क्लाउड पर भंडारित करने में सक्षम बनाती है, ये आपका सही है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। याद रखना, महाराष्ट्र अपने सरकारी विभागों को अपने डेटा संग्रहण को क्लाउड पर स्थानांतरित करने के लिए आदेश देने वाला पहला राज्य है, कौन सा, महाराष्ट्र, ना कि तेलंगाना। 14 का बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सही। इसमें युग्म देखना है, ये आपके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण दिए गए हैं, ये उपयुक्त ईंधन दिए गए हैं। इसमें दावित भारी जल रिएक्टर प्रथम चरण, प्लूटोनियम 239, ये आपका गलत है। तीव्र प्रजनक
रिएक्टर दूसरा चरण है, इसमें यूरेनियम, ये भी गलत है। उन्नत भारी जल रिएक्टर तीसरा चरण है, इसमें थोरियम, ये आपका सही है। यानी कि तीसरा कथन आपका केवल सही है इसमें, बाकी एक और दो गलत हैं। इसमें क्या है, एक और दो गलत हैं। कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम क्या है, कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा दाबित भारी जल रिएक्टरों के में विद्युत उत्पादन किया जाता है, जबकि उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरे चरण में फास्ट वीडर रिएक्टर तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, जो आपका पहला चरण है इसमें प्राकृतिक यूरेनियम द्वारा दाबित भारी जल रिएक्टरों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चरण है जो इसमें फास्ट वीडर रिएक्टर तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें तीसरे का सही था, तो इसमें आपका 15 में क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 16, क्या है क्वेश्चन नंबर, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। फित्यूस भारत का सबसे तेज मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, सही है। फित्यूस मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए समर्पित है, ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों आपके कथन सही हैं, तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 17, क्या है क्वेश्चन नंबर, संवर्धित वास्तविकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का संवर्धित वास्तविकता एप्लीकेशन, जिसे एंड्रॉइड डिवाइसेज के लिए डिजाइन किया गया है, ये आपका गलत है। भारत का पहला संवर्धित वास्तविकता शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ये आपका सही है। इसमें दूसरा कथन केवल सही है, पहला गलत है। तो 17 में आपका क्या था, पहला कथन आपका गलत था और दूसरा सही था। इसमें सही क्या होगा, एक में साकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ऑगमेंटेड रियलिटी AR अनुपयोग है, जिसे एंड्रॉयड डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से संवर्धित GM फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वर्तमान में BT कपास भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है, ये आपका सही है। भारतीय विज्ञान अनुसंधान विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अनुवांशिक रूप से संवर्धित हाइब्रिड सरसों का विकास किया गया है, ये आपका गलत है। किसमें, इसमें केवल एक कथन आपका सही है। अनुवांशिक रूप से संशोधित GM हाइब्रिड सरसों को दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखिए दिल्ली के विश्वविद्यालय द्वारा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, इसमें ये ऑप्शन सही था। ठीक है, 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट वैन वेव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखना कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, किससे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। माइक्रोसॉफ्ट टीम ने ब्रेन वेव नामक एक गहन शिक्षण वृद्धि मंच प्रारंभ किया है, ठीक है, वही आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। क्वेश्चन है 20वां, क्या क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन समाचारों में रही नासा के स्फेरेक्स मिशन का सर्वोत्तम वर्णन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का एक प्रस्तावित मिशन है, ठीक है, स्फेरेक्स, तो इसके बारे में याद रखिए कि जीवन और
ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए समर्पित एक अंतरिक्ष दूरबीन है। क्या है? जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए समर्पित एक अंतरिक्ष दूरबीन। स्फेरेक्स का पूरा नाम है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एज एक्सप्लोरर। नासा वर्ष 2023 में इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। लॉन्च लागत को छोड़कर इस मिशन की अनुमानित लागत $242 मिलियन है। कितनी? $242 मिलियन। क्वेश्चन है हमारा 22। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि बाजार अवसंरचना कोष के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है? विचार। इस कोष का उपयोग किसानों को उनकी उपज के भंडारण के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने हेतु किया जाएगा। यह आपका गलत है। कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। ये आपका सही है। इसमें दूसरा कथन गलत, दूसरा सही है और पहला कथन गलत है। इस कोष का उपयोग किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण और विनियमित थोक बाजारों में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए किया जाएगा। ठीक है, 22 का दूसरा सही था। क्वेश्चन है 23। क्या है क्वेश्चन नंबर? नई कॉमर्स नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार। इसमें एक नया ई कॉमर्स नियामक स्थापित किया है। ये आपका गलत है। इसके अनुसार जिन विक्रेताओं की ई कॉमर्स कंपनी में कोई हिस्सेदारी है वे अपने उत्पादों को उस ई कॉमर्स कंपनी के पोर्टल पर नहीं बेच सकते। ये आपका सही है। इसमें आपका दूसरा सही है, एक आपका गलत है। यह नई नीति ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए एक नियामक की संस्था नहीं नियामक की स्थापना नहीं करती है। ठीक है, 23 का आपका केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन है आपका 24। क्या है? VVIP सिविजिल और PWD ऐप लॉन्च किए गए, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये आपके चुनाव आयोग से। किससे? चुनाव आयोग से संबंधित। मतदाता पुनरीक्षण और सूचना कार्यक्रम VVIP 2019 के लिए नागरिकों को उनके नाम, नए पंजीयन ब्यौरे में बदलाव और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए लॉन्च किए गए थे। ठीक है, चुनाव आयोग ने सिविजिल ऐप भी लॉन्च किया है। यह एक स्वचालित स्थान मानचित्रण के साथ लाइव फोटो वीडियो बनाने आदर्श आचार संहिता या फिर व्यय उल्लंघन के मामले में समय मुद्रांकित और साक्ष्य आधारित प्रमाण प्रदान करता है। और जो आपका PWD ऐप है, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे विकलांग व्यक्तियों को नए पंजीकरण के लिए अनुरोध करने, पता और अन्य विवरण में बदलाव तथा स्वयं को PWD के रूप में चिन्हित करने के लिए भी सक्षम किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 25। निम्नलिखित देशों में से किसने अपनी न्यायिक प्रणाली में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? निम्नलिखित देशों में किसने अपनी न्यायिक प्रणाली में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन सही है। हिंदी संयुक्त अरब अमीरात UAE की तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। UAE ने भारतीयों के लिए न्यायिक वितरण प्रणाली को सरल और अधिक सुलभ बनाने हेतु अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को अपनी न्यायिक प्रणाली में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़े आप्रवासी समुदाय का संगठन करते हैं, जहाँ दुबई में 3 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है।